السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا हाजरीन कराम, ख्वातीन मिल्लत, अज़ीज़ तलबा और हमारे मुखलिस दीनी व मिल्ली भाइयों, आप लोगों को अकीदा के इस शरई कोर्स में वेलकम, अहलन व सहलन और खुश आमदीद कहते हुए अल्लाह वहदहु ला शरीक से ये दुआ है कि रब्बुल आलमीन अपनी रहमत व मेहरबानी के ज़रिया हम लोगों को और दुनिया के सारे इंसानों को तौहीद और सही अकीदा सिखा दे और उनके तकाज़े की तकमील करने की, तकाज़ों के पूरे करने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए। अकीदा कोर्स के इस पहले दिन के क्लास में हम ये बात समझ लें कि अल्लाह ताला ने सारे इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए पैदा फरमाया है कि लोग अकीदे तौहीद को सीखें, समझें, अपनाएं और उसी के मुताबिक अपना अकीदा और अपना अमल बनाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, सारे इंसानों को और सारे जिन्नातों को हमने सिर्फ खाली अपनी ही इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने जितने नबियों और जितने रसूलों को बहैसियत नबी और रसूल मबऊथ फरमाया, सारे लोगों ने अपनी अपनी कौम को अकीदे तौहीद की दावत दी। तो ज़िंदगी के अंदर अकीदे तौहीद की बहुत बड़ी अहमियत है, इसलिए बड़े ग़ौर से हम लोग सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के इस पहले क्लास में तौहीद क्या है, इसके मुतालिक चंद अहम बुनियादी निकात और बातें बतलाने की कोशिश करूंगा। तौहीद, इसका अमूमी मफहूम और खुसूसी माना यह है कि अल्लाह ताला को उन सारी चीजों में एक अकेला बेमिसाल समझना जो अल्लाह ताला के साथ ख़ास हैं या जो अल्लाह ताला के लिए सजावार है या जो अल्लाह ताला के लिए वाजिब है।
अल्लाह ताला की तमाम खुसूसियात के अंदर, अल्लाह ताला की जात के बारे में, उसकी रुबूबियत के बारे में, उलूहियत और अस्मा और सिफात के बारे में, या जो चीज़ें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए लायक और जेबा हैं, उसमें अल्लाह ताला को एक समझना, बेमिसाल समझना और अल्लाह की खुसूसियात में किसी को शरीक और साझीदार ना करना, गोया बंदे को इस बात पर कामिल और मुकम्मल इस तरह यकीन हो जिस यकीन में जर्रा बराबर शक की गुंजाइश ना हो कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक व साझीदार नहीं है, ना अल्लाह ताला की रुबूबियत में रब होने में, ना अल्लाह ताला की उलूहियत में यानी अल्लाह ताला के माबूद बरहक होने में, और ना ही अल्लाह ताला के नामों और खूबियों अस्मा और सिफात के अंदर। बंदा इस बात पर यकीन रखे और यकीन के साथ साथ एतराफ करे, इकरार करे कि अल्लाह ताला ही अकेला हर चीज का रब और मालिक हकीकी है, अल्लाह ताला ही अकेला पैदा हर चीजों का पैदा करने वाला और कौनों कायनात के अंदर तदबीर करने वाला, चलाने वाला सिर्फ वही अल्लाह वहदहु ला शरीक है, और इस बात पर यकीन रखे साथ ही साथ एतराफ और इकरार करे कि जब अल्लाह ताला ही अकेला पैदा करने वाला, मालिक व खालिक, राजिक, जिंदगी अता करने वाला, मौत देने वाला, दुख सुख का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही है, तो अल्लाह ताला ही अकेला सारी मखलूकात की इबादतों और बंदगियों का सजावार और मुस्तहिक है। उसका कोई ना उसकी इबादत में, ना उसकी जात में, ना उसके नामों में, ना उसकी खूबियों में, अस्मा और सिफात में कोई शरीक व साझीदार नहीं। माबूद बरहक, माबूद हकीकी, हकीकत में इबादत और बंदगी के लायक सिर्फ अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह की किसी मखलूक की जो इबादत और बंदगी की जाती है वो बातिल है, वो गलत है, क्योंकि खालिक पैदा करने वाला, मालिक कायनात को चलाने वाला ही अकेले इबादत का हकदार हो सकता है और है। मखलूक या ममलूक ये कभी किसी भी मखलूक की इबादत के हकदार नहीं हो सकते हैं। तौहीद का मतलब ये भी है कि हमारा ईमान हो, हमारा यकीन हो, हम इस बात का इकरार और एतराफ करें कि अल्लाह ताला सिफात कमाल से मुत्तसिफ है, अल्लाह अपनी सिफात के अंदर, अपनी खूबियों के अंदर, अपनी कुदरतों के अंदर कामिल और मुकम्मल है, और अल्लाह ताला हर कमी से, हर नक्स से, हर ऐब से मुबर्रा, मुनज्जा और पाको साफ है। हमारा इस बात पर ये यकीन और हम इस बात का भी एतराफ और इकरार करें कि अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नाम हैं और बुलंद तरीन, बुलंद बाला सिफात हैं। अल्लाह ताला ने
और आने मजीद की सूरह ताहा की आयत नंबर 8 के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है कि जिसके अलावा कोई भी माबूदे बरहक नहीं, कोई भी इबादत और बंदगी के लायक नहीं। लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए अच्छे अच्छे नाम हैं। गोया हमें ये बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला अकेला है, उसका कोई शरीको साझीदार नहीं, वो अहद है, उसका कोई पार्टनर नहीं। और अल्लाह ताला इस तरह अहद और अकेला है कि उसकी जात में, उसके नामों में, उसकी खूबियों में, अस्मा और सिफात में, अल्लाह के कामों में कोई अल्लाह जैसा नहीं, कोई अल्लाह का हमपल्ला नहीं, कोई अल्लाह के हमसर नहीं। हर तरह की बादशाहत, हर तरह की बादशाहत और मिल्कियत सिर्फ अल्लाह वहदहू के लिए खास है। और दुनिया की सारी मखलूक का पैदा करने वाला खालिक वही अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जो अकेला है, जिसका कोई शरीक और साझीदार नहीं है। अल्लाह ताला ही अकेला मालिक हकीकी है। और अल्लाह ताला के अलावा जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो इंसानी शक्ल सूरत में हो या जिन्नाती शक्ल सूरत में हो या जमादात या दीगर चीजें हो, जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सब ममलूक हैं, अल्लाह मालिक है और सारी चीजें उसकी मिल्कियत में हैं। अल्लाह ताला ही अकेला रब है, अकेला पालनहार है, अकेला पालने वाला और परवरिश करने वाला है। और अल्लाह ताला के अलावा जितनी भी चीजें हैं ये सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह रब है और अल्लाह के अलावा जितनी चीजें हैं ये सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाला है। और अल्लाह ताला के अलावा कोई भी हो, कैसे बाशत अंबिया हो, रसूल हो, फरिश्ते हो, करीबी फरिश्ते हो, औलिया हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला इन सब का अकेला खालिक है और ये सब अल्लाह ताला के मखलूक हैं। जैसा कि मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लदीन आमनू, जो लोग ईमान लाए, इन सारी बातों पर जो अभी मैंने जिक्र किया है, ईमान लाए, यकीन किया, विश्वास किया, वअमिलुस सालिहात, और नेक आमाल करते रहे, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये तौहीद है, ये हमारा अकीदा होना चाहिए, इस बात पर हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए। और ईमान और यकीन के साथ हमें इस बात का इकरार, एतराफ, ऐलान भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला ही अकेला कुदरत वाला कवि है। और अल्लाह ताला के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी अल्लाह की कमजोर मखलूक है। अल्लाह ही अकेला कवि है और उसकी सारी मखलूक सब के सब कमजोर हैं। अल्लाह ताला ही अकेला कादिर मुतलक है और उसके अलावा जितने मखलूक हैं, जितनी चीजें हैं, सब आजिज और बेबस हैं। अल्लाह ताला ही बड़ा है, कबीर है। और अल्लाह ताला के अलावा जितनी चीजें हैं सब छोटी हैं, सब सगीर हैं। अल्लाह ताला ही अकेला बेनियाज है, उसे किसी को या किसी की कोई चंदा जरूरत नहीं। और अल्लाह ताला के अलावा जितनी भी मखलूक हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब अल्लाह ताला के मोहताज, अल्लाह ताला के फकीर हैं। और
अल्लाह ताला ही अकेला गालिब है और उसके अजीज है, इज्जत वाला है, गलबे वाला है, शानो शौकत वाला है। और अल्लाह ताला के अलावा जितनी चीजें हैं, जितने भी मखलूकात हैं, सब अल्लाह के सामने दलील हैं। अल्लाह ताला ही अकेला हक है और अल्लाह ताला के अलावा जितनी भी चीजें हैं सब बातिल हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह लुकमान की आयत नंबर 30 के अंदर, किस सूरह के अंदर, किस सूरह के अंदर, सूरह लुकमान। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग जा करके कम से कम एक बार इस आयत का तर्जमा और तफसीर देख लेंगे। सूरह लुकमान की आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला ने बबागे दोहल ऐलान फरमाया, दालिका भी अन्नल्लाह, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है, हुवल हक, वही हक है, वअन्नमा यदउन मिन दूनिही अलबातिल, अल्लाह ताला ही वही अल्लाह है, वही हक है, और अल्लाह ताला के अलावा जिन लोगों को लोग पुकारते हैं या जिन लोगों की लोग इबादत करते हैं अल्लाह ताला के अलावा, वो सारे के सारे झूठे हैं, बातिल हैं। माबूद बरहक, सच्चा अल्लाह वही अल्लाह है, और अल्लाह ताला के अलावा जितनी चीजों की लोग इबादत करते हैं तो अपने इस अमल में इबादत करने वाले भी बातिल और गलत पर हैं, और जिनकी भी इबादत अल्लाह के अलावा करते हैं वो सारी चीजें इबादत के बारे में बातिल और झूठ है। वह अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, और यकीनन अल्लाह ताला ही बुलंद है और कबीर है, अली और कबीर है, अल्लाह ताला ही अजीम है बल्कि आजम है, सबसे अजमत वाला है, सबसे ज्यादा अजमत वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला से बढ़कर कोई अजीम नहीं और अल्लाह ताला के अलावा कोई अल्लाह से ज्यादा अजमत वाला नहीं है, वही बुलंद है, ऊपर है, और अल्लाह ताला के ऊपर कोई चीज नहीं। अल्लाह ताला ही कबीर है, बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं, और अल्लाह ताला ही मेहरबान, रहमत वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से ज्यादा जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ही अकेला रहमान और रहीम है, अल्लाह ताला से ज्यादा कोई मेहरबान, रहमान और रहीम नहीं है। मेरे भाइयों और साथियों, ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह का रुतबा है, और अल्लाह की शान को और अल्लाह के रुतबा को अल्लाह के किसी मखलूक को दे देना ये सबसे बड़ी बातिल चीज है और अल्लाह ताला का सबसे बड़ा कुफ्र है। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला ही हमें इस बात का यकीन होना चाहिए, एतराफ होना चाहिए, इकरार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही कवी है, और अल्लाह की मखलूक के अंदर जो कुव्वत और ताकत और सकत पाई जाती है ये सारी की सारी मखलूक के अंदर पाई जाने वाली कुव्वत और ताकत को पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, और बंदों के अंदर जो कुदरत पाई जाती है, जो ताकत पाई जाती है, उन सारी कुदरतों और ताकतों का पैदा करने वाला भी अकेला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ही रहमान और रहीम है, मेहरबान है, दयालु है, निहायत रहम करने वाला है। और हमारे और आपके दिलों में, माँ के दिलों में बच्चे के बारे में, बाप के दिल में, बाप के दिल में बेटे के बारे में जो शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी पाई जाती है, ये अल्लाह ताला ही ने उसके दिल में इस रहमत, महब्बत और शफ़क़त को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ही हर चीज का मुकम्मल इल्म रखने वाला है, हर चीज का मुकम्मल, गायब का, हाजिर का, मौजूद का, अंदर का, बाहर का, जाहिरी और बातनी, दिल के अंदर का, सारी चीजों का इल्म रखने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें इल्म दिया है, जानकारी दी है,
समझ और बूझ दिया है, शऊर आगही से नवाजा है, ये सब अल्लाह ताला ने पैदा किया है और अल्लाह की ये सारी चीजें मखलूक हैं। अल्लाह ताला ही खालिक और पैदा करने वाला है, उसी अल्लाह ताला ने सारे रिज्क को पैदा फरमाया है। वह हम सब मरजूक हैं, अल्लाह हमें रिज्क अता करता है, रिज्क हासिल करने की सलाहियत और ताकत अल्लाह ताला ने दी है और अल्लाह ताला ने सिखाया है। राज़िक हर एक हर तरह का रिज्क ये अल्लाह ताला के लिए है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है और जिसे चाहता है अल्लाह ताला उसे महरूम फरमा देता है। अल्लाह ताला ने सूरह अनआम की आयत नंबर 102 के अंदर बयान फरमाया, वही अल्लाह है, वही तुम्हारा अल्लाह है, रब्बुकुम, वही अल्लाह तुम्हारा रब है, पालने वाला है, पैदा करने वाला, मारने वाला, जिलाने वाला, रिस्क देने वाला, औलाद देने वाला, सेहत देने वाला, गरीबी देने वाला, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। कुरान की आयत है मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनो, सूरह अनआम की आयत नंबर 102, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वही अल्लाह तुम्हारा रब है, ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और यह नुक्ता आगे हो सकता है मैं बयान करूं, जब आपका रब आपका पैदा करने वाला, आपको मारने वाला, आपको जिलाने वाला वगैरह वगैरह वही अल्लाह है, तो आपकी सारी इबादतों का हकदार कौन होगा? जब अल्लाह को आपने रब मान लिया तो माबूद बरहक किसको मानेंगे, इबादत किसकी करेंगे? उसी अल्लाह को। खालिक कुल्ली शय, अल्लाह ताला ही सारी चीजों का पैदा करने वाला और खालिक है। इंसानों में आदम से लेकर के जब तक आखिरी इंसान पैदा होगा, चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो औलिया हो, चाहे वो नेकोकार मुत्तकी हो, और चाहे बदकार और बदबख्त शकीउल कल्ब हो, सईद हो या शकी, नबी हो या उनकी उम्मत, रसूल हो या उनकी उम्मत, अल्लाह ताला ने क्या कहा हुआ, खालिक कुल्ली शय, अल्लाह ताला हर चीज ही का खालिक है, वलियों का खालिक, नबियों का खालिक, रसूलों का खालिक, बुजुर्गों का खालिक, मुत्तकियों का खालिक, जन्नतियों का खालिक, जन्नत का खालिक, जहन्नमियों का खालिक, जहन्नम का खालिक, वही अल्लाह है। चुनाचे क्या करो, फअबुदूहू, जब वही तुम्हारा रब है, वही तुम्हारा अल्लाह है, वही हर चीज का पैदा करने वाला है, फअबुदूहू, तो तुम सिर्फ उसी की दुहाई दो, उसी से मांगो, उसी के इबादत करो, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह है जो हर चीज पर कादिर मुतलक है, और उसके पास जो कुदरत है वो उसकी है, जैसा उसके साया निशान और जैसा उसे जेब देता उसके लायक है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वहुवा अला कुल्ली शैइन वकील, और वो हर चीज पर वकील है। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला। तो माबूद बरहक जो अपने सारी मखलूकात और अपने बंदों की इबादत का हकदार, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जिसके अलावा कोई उसकी जात में, उसके जलाल व जमाल में और उसके बेहतरीन एहसान में कोई उस और उसके नामों में, उसकी खूबियों में, अस्मा व सिफात में, उसके माबूद बरहक होने में, उसकी इबादत में कोई शरीक व साझीदार नहीं है। मेरे भाइयों साथियों, वही इल्म वाला और हिकमत वाला है, वो अपने इल्म से
अपनी हिकमत से जो चाहता है जब चाहता करता है। अलालहुल खल्क वल अम्र, अल्लाह ताला ही के लिए हर मखलूक है और अल्लाह ताला ही का फैसला चलेगा। तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला बार बाबा बरकत है। सूरह आराफ की आयत नंबर 54 के अंदर एक और बात, अल्लाह ताला ही पहले है, उससे पहले कोई चीज नहीं। हुवल अव्वल वल आखिर वज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। सूरह हदीद की आयत नंबर 3 का मानना और इकरार करना और एतराफ करना और उसे उसकी तबलीग और प्रचार करना तौहीद के तकाजों में से है। अल्लाह ताला ही सबसे पहले है, उससे पहले कोई चीज नहीं, वही सबके बाद है, उसके बाद भी कोई चीज नहीं। वही अव्वल है, वही आखिर है, वो जाहिर है, उसके ऊपर है, वो हर चीज के ऊपर है, वो जाहिर है जैसा उसके साया निशान और उसके लायक है, और वो हर चीज के ऊपर गालिब है, और वो अंदर है और उससे कोई अंदर नहीं। वही हर चीज का जानने वाला है और वो अकेला है, ला शरीक लहू है, उसका कोई शरीक व साझेदार नहीं। वो अल्लाह अपनी ज़ात में, वो अल्लाह अपनी इबादतों में, वो अल्लाह अपने कुदरतों और इख्तियारात में, वो अल्लाह अपने नामों और खूबियों में, वो अल्लाह अपने फैसले में अकेला है, उस जैसा कोई नहीं, उसका शरीक व साझेदार कोई नहीं। और अगर कोई अल्लाह की खुसूसियात को किसी भी मखलूक के अंदर मानता है तो गोया वो तौहीद का इनकार करता है और तौहीद के तकाजे की तकमील नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे कायनात अपने अपनी मेहरबानी से, अपने लुत्फ़ो करम और इनायत से हम लोगों को तौहीद सिखा दे इस तरह कि हमारे दिलों में रच बस जाए और उसी के इकरार और एतराफ़ की तौफीक अता फरमाए और उसी के तकाजों को पूरी करने की तौफीक अता फरमाए और पूरी दुनिया में उसे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।